से संस्कृत में पांच लकार होते हैं, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोड लकार आज्ञावाचक और विधि लिंग लकार लोड लकार। ठीक है, इसी तरह विधि लिंग लकार मतलब होता है इच्छावाचक, जिसमें इच्छा व्यक्त की जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अब आज का हमारा चैप्टर लिट लकार। लकार जैसा कि आप जानते हैं काल, काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय के बारे में बताया जाए उसे काल कहते हैं, है ना। आज हम क्या पढ़े, लिट लकार। लिट लकार में भविष्य काल अर्थ बताया जाता है कि कार्य होगा कैसे, जैसे पूजा मंदिर जाएगी या रवि भोपाल जाएगा, तो जहाँ पर गा भी ऐसे शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है, कौन सा काल होता है, लिट लकार। तो आज हमने इसके लिए चार्ट बनाया है, ये चार्ट आपके सामने, देखिए इस चार्ट में देखिए क्या लिया है, इष्यति। इससे पहले आपने जो वर्तमान काल का चार्ट था उसमें हमने धातु में लगने वाले प्रत्यय देखे थे। धातु समझते हैं ना, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पट का पढ़ना, रक्ष का रक्षा करना, लिख का लिखना, इस तरह। तो धातु ये धातु में लगने वाले प्रत्यय हैं। इससे पहले लट लकार हमने क्या याद किया था, प्रथम पुरुष में ती त अंधी, मध्यम पुरुष में सी थ और र आमी आव लगने वाले, धातु में लगने वाले प्रत्यय हैं वो बदल गए हैं। जैसे यहाँ पर है इष्यति, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन। आपको पता है संस्कृत में तीन चीजें तीन होती, कौन कौन सी, वचन लिंग और पुरुष। वचन में आप क्या बताएंगे, वचन का अर्थ होता है जहाँ किसी संख्या के एक या अनेक होने के बारे में बताया जाए। इसमें कितने वचन होते हैं, तीन। यदि एक वस्तु है तो एक वचन, दो वस्तु है तो द्विवचन, और बहुत सारी वस्तुएं हैं तो बहुवचन। इसी तरह इसमें लिंग भी कितने होते हैं, तीन। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है, पुल्लिंग का अर्थ होता है जहाँ पर पुरुष जाति के बारे में बताया जाए या जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, जहाँ पर या जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो। और नपुंसकलिंग क्या होता है, वे सारी संज्ञाएं जो क्या है, जो स्वयं गतिमान नहीं है, वो सब किस में आती है, नपुंसकलिंग। कैसे, जैसे हमने कहा चौक, ये चौक स्वयं नहीं जा सकती है क्या, नहीं। तो चौक, पुष्प, है ना, वृक्ष, ये सब किस में आते हैं, नपुंसकलिंग में, जो स्वयं चल नहीं सकते। पहले भी हमने बताया जैसे नदी बहती है ना, हवा बहती है, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग, लेकिन ये क्या है, नपुंसकलिंग। तो सारे लिंग भी कितने होते हैं, तीन, ठीक है। उसके बाद हमने पुरुष में क्या बताया था, आपको एक सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र बताया था, परोक्षम समक्षम स्वयमेव च। परोक्षम का अर्थ क्या होता है, प्रथम पुरुष के लिए परोक्षम होता है, परोक्षम मतलब जो आपकी आंखों से दूर है, परे है। कैसे, वह, है ना, वह किसके लिए बोलते हैं, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। तो एक वचन में क्या आएगा, वह, द्विवचन है तो वे दोनों, और बहुवचन है तो वे सब। उसी तरह मध्यम पुरुष में क्या होगा, इसमें क्या होगा आपको बताना है, समक्षम, जो आपकी आंखों के सामने है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, तुम, एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों, और बहुवचन में तुम सब। इसी तरह इसमें क्या जाएगा, खुद के लिए, उत्तम पुरुष में क्या बताते हैं, खुद के लिए, तो अपने लिए बात करते हैं हम, जैसे हम में मैं, हम दोनों, और बहुवचन में हम सब, ठीक है। तो ये जो हमारा चार्ट है इसको पहले हम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, धातु में लगने वाले प्रत्यय कौन से हैं, एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन में, इष्यति, इष्यतः,
हो सके इनके लिए। इसके बाद दे किसके लिए? पुल्लिंग। ये आपको समझना है कि अगर ते लिखा है तो ये पुल्लिंग है, कौन सा? बहुवचन। और ता लिखा है तो स्त्रीलिंग और क्या जाएगा? बहुवचन। और तानी नपुंसकलिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद तीनों में एक साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में ये किरदार क्या लगता है? कर्ता एक जैसे होते हैं, जैसे त्वम, ठीक है, त्वम तुम, युवा तुम दोनों और युयम तुम सब, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या जाएगा? हम मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब, ठीक है। तो ये क्या है? कर्ता। किसके कर्ता है ये? कौन से? एक क्वेश्चन प्रथम पुरुष के अलग है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अभी हमने देखा ये चार्ट, अब हम क्या करेंगे? इस चार्ट के लिए हमने धातु का प्रयोग किया है, इसको अब हम क्या करेंगे? एक धातु से दूसरा धातु में यूज करेंगे। कैसे? देखिए, एक हमने चार्ट बनाया है, सबको दिख रहा है ये चार्ट? ये देखिए, इसमें क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है ना, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहले हमने कौन सी धातु ली है? धाव। कौन सी धातु ली है? धाव। तो धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, ठीक है, मतलब वह दौड़ेगा, वह दोनों दौड़ेंगे और वे सब दौड़ेंगे। इसके बाद क्या बताएंगे आप? मध्यम पुरुष एक वचन, धाविष्यसि मतलब तुम दौड़ोगे, धाविष्यतः तुम दोनों दौड़ोगे और धाविष्यत तुम सब दौड़ोगे। उसके बाद उत्तम पुरुष में धाविष्यामि मैं दौड़ूंगा, धाविष्यावः हम दोनों दौड़ेंगे और धाविष्यावः हम सब दौड़ेंगे। तो किसके साथ हमने इसका प्रयोग किया? धाव धातु के साथ, ठीक है। अरासल में ये कौन सा लकार है? लिट लकार। इसके बाद हम देखेंगे, अभी हमने चैप्टर पढ़ा कौन सा? लिट लकार। अब हम इसके पढ़ने के बाद एक रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे जो इसी के आधार पर है। हमने यहाँ पर एक वृक्ष बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है? ये जो कॉलम बने हुए हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम। दिख रहा है सबको? फर्स्ट वाला कॉलम, सेकेंड वाला कॉलम और थर्ड वाला। इसमें क्या है? ये है आपका एकवचन, ये द्विवचन और ये आपका बहुवचन, ठीक है। ये प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष। अब इसमें क्या है? हमने कुछ क्रियाएं दी है, आपको क्या करना है? ये देख कर बताना है कि कहाँ पर कौन सी आई है, ठीक है। जैसे एकवचन, पहले हमने देखा गमिष्यतः, ये चार्ट हमारे पास है, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, ठीक है। अब चार्ट हमने क्या देखा? गमिष्यतः मतलब क्या है? ये प्रथम पुरुष द्विवचन, तो कहाँ पर आ जाएगा ये हमारा? यहाँ पर क्या जाएगा? गमिष्यतः, ठीक है, मतलब जाना। तो क्या जाएगा? वे दोनों जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हमारा पतिस्य, किसके लिए यूज हुआ है? मध्यम पुरुष, किसके लिए? बहुवचन के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है, इसके लिए क्या जाएगा? पतिस्यत, क्या जाएगा? पतिस्यत, ठीक है। उसके बाद ये पतिस्यसि कहाँ पर है? ये हमारा मध्यम पुरुष एकवचन, तो यहाँ पर क्या जाएगा? पति, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, दिख रहा है सबको? उसके बाद क्या है हमारा? गमिष्यति कौन सा है? एक वचन, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा? क्या जाएगा? गमिष्यति, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। आप अगर प्रत्यय याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा? पठिष्यत, इसके लिए आ जाएगा मध्यम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठिष्यत, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है हमारा? गमिष्यन्ति, किसके लिए आएगा? प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या जाएगा यहाँ पर? गमिष्यन्ति। यहाँ पर जो हमने धातु ली है गम, गम का अर्थ होता है जाना, ठीक है, गम का क्या होता है? जाना। लेकिन ये किसमें प्रयोग होती है? गच्छ में। आपको बता दें कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो लट लकार में अलग आती है उपयोग में और लिट लकार में अलग, उसमें से एक कौन सी है? गम। जैसे गम का अर्थ होता है जाना, अगर आप इसको लट लकार में बनाएंगे तो किससे चलेगी? गच्छ से, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। लेकिन यदि आप इसको लिट लकार में करेंगे तो ये किसमें चलेगी? ग,
सेकेंड लिट लकार हर से कार। इसके लिए आपको ये चार में से क्या याद करना है, इश्यति इश्यतः इश्यति इश्यसि इश्यतः इश्यत इश्यामि इश्यावः इश्यावः, ये आपको धातु में लगने वाले प्रत्यय याद करना है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आसानी से आपको जो भी धातु दी हो आप क्या कर सकते हैं, उस धातु के अनुसार से लगाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर है थर्ड चैप्टर लंग लकार। तो हम अगले वीडियो में